दोस्तों अपने प्लांट्स और गार्डन की केयर करने के टिप्स जानने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और ये बेल आइकॉन जरूर दबाएं ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना कर पाए नमस्कार दोस्तों मैं आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल पॉट गार्डन्स में सो so, दोस्तों आज का जो हमारा विषय है जो हमारा टॉपिक है वो है अंजीर का प्लांट सो so, दोस्तों आपके सामने देख रहे हो आप जैसे कि एक अंजीर का प्लांट आपके सामने मौजूद है ये प्लांट दोस्तों मैंने दो महीने पहले लगाया था जून के मौसम में और ये प्लांट के लिए जो गमला है वो मैंने 16 इंची का गमला यूज़ किया है दोस्तों सो so, ज़्यादातर लोग कहते हैं कि गर्मियों में पौधा नहीं लेने चाहिए जून मई के महीने में नहीं लेने चाहिए बट ये पौधा दोस्तों पूरी फुल सनलाइट का पौधा है तो इसको मैंने उसी महीने में लगाया था आप देख सकते हैं कि इसकी पत्तियां बहुत ही ज़्यादा बड़ी हैं और बहुत ही वेलवेट तरीके की होती है इसके अंदर वेलवेट का फील आता है जब आप ही पत्तियों को टच करते हैं और दो महीने में दोस्तों इसकी बहुत ही अच्छी ग्रोथ हुई है आप देख सकते हैं इसकी ये नई पत्तियां शुरू होने लगी हैं इसके लिए भी नई पत्तियाँ आ रही है साथ ही साथ कुछ अंजीर के फल भी आने लग गए हैं अगर आप देख पाए तो ये देखिए दोस्तों यहाँ पे आ रहा है यहाँ पे आ रहे हैं यहाँ पे आ रहे हैं और उसी प्रकार से यहाँ पे वे भी, भी उगने शुरू हो गए हैं अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें सर so, दोस्तों आज मैं इस प्लांट की काफी डिटेल में बातचीत करना चाहूंगा तो जब मैं इस प्लांट को खरीद के लेके आया था दो महीने पहले तो ये काफी छोटी थैली में लगा हुआ था ब्लैक कलर की और मैंने इसको एक बड़े सोलह इंची के गमले में लगाया है और जिस तरीके की मिट्टी का मैंने जिस तरीके का एक मिक्सर का मैंने प्रयोग किया है मैं उसके बारे में आपको बताता हूँ उस मिक्सचर में दोस्तों 40 परसेंट के आसपास मैंने जो नॉर्मल मिट्टी होती है विदाउट कंकड़ वाली वो इस्तेमाल की थी और 30 परसेंट के आसपास दोस्तों मैंने इस्तेमाल किया था काउडंक और बाकी मैंने इस्तेमाल किया था जो रेत होती है वो इस्तेमाल की थी और मैंने पॉट में मिट्टी डालने से पहले उसको मेक श्योर कर लिया था कि वो ड्रेन अच्छी तरह हो पानी उसके अंदर से अच्छी तरह निकल जाए तो इस तरीके की मिट्टी का मैंने इस्तेमाल किया था और ये मिट्टी बेस्ट सूटेबल होती है इस प्लांट के लिए और दोस्तों इसके ये फुल सनलाइट का प्लांट है इसको ज़्यादा पानी नहीं चाहिए होता अगर इसके अंदर पानी ठहरने लग जाए तो ये प्लांट मरने लग जाता है तो हमें ये जरूर मेक श्योर कर लेना चाहिए कि इसका जो पॉट है वो वेल ड्रेन होना चाहिए फालतू पानी उसमें नहीं रुकना चाहिए और वो फालतू का पानी उसमें से निकल जाना चाहिए तो इस चीज का हमें बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा इसके लिए और बात करें अगर फर्टिलाइजर की तो दोस्तों इसके अंदर जो फूल फूल और जो फल जिसके अंदर फल निकलता है वो हम खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं तो इसके अंदर मैं कोई भी केमिकल फर्टिलाइज़र नहीं डालता और इसको लगभग ज़रूरत भी नहीं है उस प्ला उस फर्टिलाइजर की दोस्तों इसको मैं हर मही पंद्रह दिन बाद या एक महीने बाद इसके अंदर एक मुठ्ठी कावडंक वगैरह डाल देता हूँ आप देख सकते हैं उसके ऊपर से आपको टुकड़े टुकड़े भी दिखाई दे रहे होंगे के तो मैं इसके अंदर महीने बाद ही लगभग डालता हूँ काउडंग अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज हमें सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें तो दोस्तों अगर बात करें फर्टिलाइजर की तो मैं आपको बताना चाहूंगा ये उन प्लांट्स में से एक प्लांट है जिसको ज्यादा केयर की जरूरत नहीं होती दोस्तों ये बहुत ही जिद्दी प्लांट होता है और आप इसको कम पानी में भी ये बहुत अच्छा चलता है ज़्यादा पानी इसको पसंद नहीं है और आप देख सकते हैं अगर कोई भी प्लांट के पत्ते अगर आपको इतने बड़े साइज़ के देखें तो आप सीधा समझ आइए कि ये फुल सनलाइट का प्लांट होता है इनको धूप बहुत अच्छी लगती है तो फर्टिलाइज़र की ज़्यादातर तो बात करें क्योंकि इसके अंदर जो फल बनते हैं वो हमें कंज्यूम करने होते हैं हम खुद ही खा लेते हैं तो मैं अवॉइड करता हूँ कि कोई भी केमिकल फर्टिलाइज़र ना यूज़ किया जाए तो मैं इसके अंदर कंपोस्ट या काउडंग यूज़ करता हूँ एक महीने के बाद इससे ज़्यादा इसकी मैं केयर करता नहीं और इससे ज़्यादा इसको केयर चाहिए भी नहीं दोस्तों और ज़्यादा केयर ज़्यादा ओवर फर्टिलाइजर आप इसके अंदर ना ही डालें तो ये मर सकता है क्योंकि YouTube पे बहुत सी वीडियोज़ अवेलेबल हैं जिसके अंदर आपको अलग अलग फर्टिलाइजर का यूज़ बताया गया लेकिन मेरी समझ ये कहती है कि सिर्फ उसके अंदर काउडंग इनफ है ओवर फर्टिलाइजर ओवर एक्सपेरिमेंटिंग किसी भी प्लांट के साथ उसकी जान के लिए घातक हो सकती है उसको मार सकती है तो दोस्तों मैं इसके अंदर सिर्फ काउडंग या आप कंपोस्ट ले सकते हैं वही डाल सकते हैं तो दोस्तों जितनी जानकारी मैं अभी आपको दे चुका हूँ उसको उससे आप समझ ही गए होंगे उससे आपको अंदाजा लग ही गया होगा कि इसकी इतनी केयर नहीं करनी पड़ती और अगर मैं बात करूँ इसकी फ्रूटिंग की तो दोस्तों इसको साल में दो दफा फ्रूटिंग लगती है एक लगती है बसंत के दिनों में और एक लगती है मानसून के दिनों में तो अभी इसके अंदर आप देख सकते हैं जैसे मैंने आपको पहले भी दिखाया था कि फ्रूटिंग हो रही है तो बस मानसून का मौसम निकल चुका है और उसके बाद इसकी फ्रूटिंग शुरू हो गई है दोस्तों तो यही दो मौसम है इसकी फ्रूटिंग के लिए और इसका फ्रूट जब निकलता है वो स्टार्टिंग में बहुत हरे रंग का होता है और पकने पे वो थोड़ा रेडिश कलर का होता है और आप उसको रेडिश रेडिश होने के बाद तोड़ के खा सकते हैं सो so दोस्तों अगर आपके प्लांट में फ्रूटिंग नहीं हो रही तो आप एक टेक्निक यूज कर सकते हैं अगर आपके पास इतना बड़ा पॉट है जैसे सोलह इंची का पॉट है तो आप ये टेक्निक यूज कर सकते हैं जो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ आप देखिए कि इसका तने से थोड़े से डिस्टेंस पे आप इतने एरिया को गुलाई में निशान लगा लीजिए दोस्तों जैसे मैंने लगा लिया गुलाई में निशान लगा लिया और यहां पे आप इसको गीला करके डीप से खुरपी मारिए दोस्तों गहराई तक खुरपी मारिए जिससे क्या होगा कि इसकी जो जड़े हैं इस एरिया में वो कट जाएंगी और उनका कनेक्शन जो ये बची कुची साइड की मिट्टी है इससे कट जाएगा तो इससे क्या होगा जब मौसम आएगा और तब इसकी जड़ें फिर ग्रोथ करने लग जाएंगी इसकी रूट बाउंडिंग जो पहले हो रही थी इसकी रूट जो फंस गई थी वो उनको और और ज्यादा जगह मिलेगी ग्रो करने के लिए और वो इस एरिया में जहाँ से उनकी गई है रूट्स वहाँ से ये ग्रो करेंगे तो दोस्तों अगर आपका ये आप टेक्निक तभी यूज करिए अगर आपका गमला बड़ा है और आपके प्लांट को लगे हुए दो तीन साल हो गए हैं क्योंकि दो तीन साल लग जाते हैं प्लांट को एक पूरे 16 इंची के गमले के अंदर अपनी रूट्स को फैलाने में अगर आपके पौधे को लगे हुए छ महीने ही हुए हैं तो ये दोस्तों कभी ये टेक्निक ना करिए क्योंकि उससे उसकी जान जा सकती है वो मर सकता है तो दोस्तों अगर तब भी छ महीने अगर आपके प्लांट को छ महीने हुए हैं और आपके तब भी फ्रूटिंग नहीं हो रही और तो आपको दोस्तों वेट करना पड़ेगा कम से कम मानसून मानसून के और बाहर के महीने के लिए आपको वेट करना पड़ेगा और तब जाके इसके अंदर फ्रूटिंग होगी और आपको कॉन्टीन्यूअसली इसके अंदर फर्टिलाइजर देना ही पड़ेगा क्योंकि दोस्तों अगर हम जब भी हम नया पौधा लाते हैं उससे हमारी एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा होती है हम सोचते हैं कि आज ही हम पौधा लगाएं और कल से उसके अंदर फ्रूट आने लग जाए तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं होता जब भी हम नया पौधा लाते हैं उसको थोड़ा समय चाहिए होता है नए पॉट में जब वो लगता है थोड़ी अपनी रूट्स को बढ़ाने के लिए और लगभग लगभग छः महीने और एक साल का समय उसको लग जाता है एक अच्छी ग्रोथ पकड़ने में जब वो दोस्तों एक अच्छी ग्रोथ पकड़ता है तब उसके अंदर फ्रूटिंग शुरू होती है तो एक छोटे से पौधे से आप इतनी एक्सपेक्टेशन ले लें कि वो कम से कम आधा एक किलो फ्रूट दे तो दोस्तों ये बिल्कुल ना इंसाफी होगी और ऐसा कभी नहीं होता और कोई भी वीडियो या कोई भी आपको इंसान बोले या कोई भी एक्सपर्ट आपको बोले कि आप ऐसे कर सकते हैं छ महीने के पौधे से आप इतनी ज़्यादा ग्रोथ ले सकते हैं छोटे पौधे से तो दोस्तों उसको झांसे में बताइए आप ओवर एक्स ओवर फर्टिलाइजर का ओवर एक्स, एक्सपेरिमेंट करके अपना पौधा भी मार लेंगे उससे में और अगर आपका पौधा दोस्तों बहुत छोटा है छोटे छोटे पॉट में लगा हुआ है और आपको लगता है अगर उसकी रूट बाउंडिंग हो रही है तो उसको बड़े पॉट में लगा दें तो दोस्तों यही तरीका है इसको पॉट ज़्यादा नहीं चाहिए होता बड़ा सोलह और मैक्सिमम अठारह इंच का पॉट इसके लिए बहुत सफिशेंट होता है वैसे चौदह इंच से भी काम चल जाता है दोस्तों केयर इसकी ज़्यादा नहीं है और दोस्तों इसके फ्रूट को जो स्पेशली हम मार्केट में देखते हैं सुखा के भी खाया जाता है और वैसे भी खाया जाता है कि सीधा डायरेक्ट भी कंज्यूम किया जाता है बट आप बस आपको वेट करना है इसके फ्रूट का थोड़ा रेडिश कलर में आने का और उसके बाद आप उसको खा सकते हैं तो so, दोस्तों यही तकनीक है इस प्लांट की अच्छी ग्रोथ के लिए समय जरूर लेते हैं हर एक प्लांट हर एक फ्रूट पम्प समय जरूर लेगा दोस्तों क्योंकि वो मशीन की तरह काम नहीं करता वो भी एक जीवित है जीवित प्लांट है जिसके अंदर भी जीवन है और वो अपनी जो नेचुरल स्पीड है उसकी उस हिसाब से ग्रो करेगा तो दोस्तों कभी भी एक प्लांट से ओवर एक्सपेक्टेशन ना करें आप तो दोस्तों बने रहें आप हमारे चैनल के साथ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों और हम लोग हमें बहुत सपोर्ट कीजिए ताकि हम और अच्छी वीडियोस आपके लिए ला पाएं और, और अच्छे अच्छे नए प्लांट्स के बारे में आपको बता पाएं अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें